जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न एक सौ पाँच श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का तीसवा बातसल्य मई पावन वर्षायोग दो हजार तेईस आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद कमरे भी उपलब्ध हैं स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो वन नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो थ्री सेवन जीरो डबल वन जीरो वन फोर एट वन टू इस कार्यक्रम के पुण्यचक है कमला जैन धनपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी अनुज जैन पायल जैन अरहम जैन अनुष्का जैन अपूर्वा जैन कुसुम जैन श्री नरेश जैन श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट अनुराग जैन सरिता जैन कोसी कला मथुरा श्री अशोक कुमार जैन सौभाग्यवती नूतन डॉक्टर सलोनी निरंजन अरहन आराध्या मेहता गौतम प्राची, गर्व आदित्य महिमा आरत जैन तारदेव रोड मुंबई श्रीमती समता जैन सलिल जैन प्रीति जैन डॉक्टर ट्विंकल जैन अपूर्वी जैन आप सबको पता है कितनी सुंदर ये रचना लिखी है कि परमात्मा तुम जमीन पर आए थे तुम्हारे गर्भ में आने के पहले छ महीना पहले ये धरती स्वर्ण में हो गई थी इतनी रत्नों की वर्षा इतनी स्वर्ण की वर्षा हुई कि धरती रत्न गर्भा कहलाने लगी और जब आप मेरे भक्ति रूपी चित्त में हो तो ये तन स्वर्ण का हो जाए तन निरोगी हो जाए तो क्या बड़ी बात है और कहते हैं कि भगवान जन्म इस संसार अठवीं में मैं जन्म जन्मांतर से घूम रहा हूं क्यों क्योंकि हर बार पक्षपात के कारण जो हमने कह दिया वही सत्य है आपने देखा होगा हम सत्य को सत्य नहीं मानते हैं आज चुनाव के समय देखा करो नेता कितने इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं मैं कभी कभी यही सोचती हूँ ये लोग क्या भला करेंगे इन्हें लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है ये देश का भला नहीं कर पाएंगे लेकिन मनराज मनराजमौन होकर ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं और कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आनंद आंसुओं से आपकी भक्ति रूपी आपको देखकर आपके दर्शन करके मेरे आनंद रूपी आंसू निकल रहे हैं और कहते हैं जिस प्रकार से बांसुरी की आवाज़ सुनकर क्या करते हैं मोर नाचने लगते हैं सर्फ अपनी बामियों से निकल जाते हैं बीणा की आवाज़ सुनकर इसी प्रकार से परमात्मा मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और ये शरीर रूपी बामी से रोग निकल जाए तो क्या बड़ी बात है और कहते हैं भगवान आप मेरे अंतर को मेरी आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा आपके गुणों से मेरा तो मन कैसा उज्ज्वल है लेकिन तन को भी पवित्र कर दोगे तो क्या बड़ी बात है और सच पूछो तो इसी प्रकार से आगे लिखा भी है कि सारे रोग सोग जितने हैं वो सब आपके नाम अंतर ही तो हैं और जैसे एक ही भाव एक ही भाव कोई अलग से एक ही भाव नहीं है परमात्मा से एकता हो जाना परमात्मा के गुणों को अपने आप में विराजमान कर लेना उनका एहसास हो जाना यही एकता है यही एक ही भाव है कि भगवान में आप जैसा हो गया और ऐसा जैसा ही विचार आता है आप भी स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से जितना संकलेश करोगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी आज अपने मास्को में एक फोर्ट्स करके व्यक्ति हुआ है और उसने सिर्फ धारणा पर अपन कहते हैं मान तुंग आचार्य अड़तालीस साले टूट गए उसने इसी पंचम काल में और कहते हैं उससे गांधी हिटलर स्टेलिन लोग मिले हैं स्टेलिन ने तो इतना तक कह दिया था डॉल्फ करके है वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या था बहुत गरीब लड़का था उसके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे रूस की ट्रेन में सफ़र कर रहा था टीटी टी का आना उसने आत्मकथा में लिखा है कि टीटी टी का आना मेरी धड़कन का बढ़ जाना टीटी टी का कहना कि टिकट दिखाओ मेरे पास टिकट नहीं था सीट के नीचे लेटा था एक अखबार का टुकड़ा हाथ में लिया और भावना वाई कि टी टी को टिकट दिख जाए और टी टी ने देख कहा टिकट था तो नीचे क्यों लेटे थे जैसे एक करोड़ लोग हिटलर ने मरवाए एक करोड़ लोग तो स्टेन नाम का व्यक्ति हुआ है शासक हुआ है उसने 90 लाख लोग मारे सोचना दुनिया में हमेशा हिंसा होती रही और उसने कहते हैं कि उसे मास्को में उठवा लिया भरी सभा में और उसे सौ पहरेदारों के बीच रखा लेकिन वो निकल गया बीच में से निकल गया पहरेदार खड़े थे लोगों ने उससे पूछा कैसे निकले उसने कहा मैंने भावना की कि ये सब सो रहे हैं ये खड़े थे लेकिन ये मुझे नहीं देख पाए मैं निकल गया उसके बाद उसने कहा कि तुम मास्को के बैंक से दो लाख रुपया निकलवाओ और किस आपको काउंटर पर ले जाया जाएगा ये पता नहीं होगा और उसे कोरा कागज़ दिया और कहा कि दो लाख रुपये निकालो उसने दस मिनट भावना की और साइन की और कागज़ पे दो लाख रुपये निकाल दिए और उसके बाद स्टेलिन ने कहा कि जब मानूंगा जब तुम इसे वापस करके आओ और जैसी उसने कहा तो चेक तो था नहीं जब तक उसकी धारणा थी उसे दिखा था उस समय मैनेजर को उससे अटैक पड़ गया और बहुत सारी घटनाएं आज भी यदि आप लोग चाहते हैं आप लोग कहते पता नहीं चला हमको ऐसा हो जाएगा आपके स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा आपको सिर्फ हमेशा सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ मेरा किसी से वैर नहीं है सरल परिणाम रखो आपको महीनों बाद क्या घटना होनी आज पता चल जाएगी आज आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमने अपनी पाल रखी हैं क्योंकि जब चिंता में विषाद में रात को समय से नहीं सोते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं और मुनिराज तो शुद्ध भावों के क्या कहना महापुंज थे और एक ध्यान में लीन हो गए कि परमात्मा जब आपके कारण जन्म जरा मृत्यु न सो जाती तो ये क्या बड़ा रोग है और सुबह राजा आया तो रोग ठीक हो चुका था क्योंकि आज हमारे रोग भी कितने बड़े से बड़े रोग हों भक्ति में आप बिल्कुल लीन होकर जो शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं वो आपके हृदय को छू जाएं आज आपकी सत्तर परसेंट बीमारियाँ कम हो सकती हैं आज हम सिर्फ किताबों के शब्द देख के रट के चले जाते हैं और बोलते हैं पूजा हो गई और जब राजा आए तो राजा ने वो भी था जिसने कहा था कोड़ी हैं और कहते है, तुमने कहा था वो भी देख कर रहेगा अरे कल तक तो कोढ़ था आज ठीक कैसे हो गया और वो भी गलित कोण था बदबू आती थी पूरे वन में दूर तक ऐसी बदबू आती थी लगता था कोई जीव मर गया इतनी असह दुर्गंध थी लेकिन जब सुबह राजा ने देखा तो राजा ने देखा कि ये जैन श्रावक तो सही बोल रहा था मंत्री सही बोल रहा था और अचानक उसकी तरफ देखा तो मैं राज कहते हैं कि नहीं ये ये भी ठीक बोल रहा था और ये भी इसको सजा मत दो क्योंकि जैन मुनि स्वप्न में भी किसी का हित नहीं चाहते हैं चलते फिरते उठते बैठते खांसते सोते छींकते कुछ में भी हिंसा हो जाए तो तीन बार प्रतिक्रमण करते हैं जाने अनजाने में भी चलने में खांसने में किसी प्रकार से कोई दोस्त लग जाए उसका प्रायश्चित करते हैं प्रतिक्रमण करते हैं और मुने राज ने उसे अभय दान दे दिया लेकिन जय जयकार हो गई और राजा भी पुनः जैन धर्म में लीन हो गया उस विधर्मी ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया ज्यादा दिन की बात नहीं हमारे जैन धर्म में कैसी शक्ति थी आप कभी हवा महल और चौकसी के चौक गए होंगे जयपुर वहाँ पर कई मंदिर जैन मंदिर उन्होंने राजा ने कह दिया था क्योंकि अभी तक कोई चालीस बयालीस दीवान मंत्री जैन हुए एक बार एक विधर्मी हो गया और उसने समझिए राजा को शिकायत कर दी जो अम्मा जी हैं जिन्होंने महावीर जी की चाबी जिनको मिली है उनके यहाँ कार्यक्रम था तो उस मंदिर में चाकसू के चौक में हम गए थे तो माँ जी बताती थी कि माता जी जब हम ब्याहे ब्याहे आए थे तो राजा ने नियम बना दिया था कि दिन में खाना नहीं रात को बनेगा और बोले हमारा त्याग था तो रात को हम पानी रख कर कढ़ाई चलाते रहते थे थोड़ा सा आटा लगा के रखना पड़ता था कि राजा के सैनिक अचानक आ जाए तो उन्हें पता हो घर में खाना नहीं दिखे तो फिर सजा मिल जाएगी और एक रात में कई मंदिर आप लोग जाएंगे तो अभी भी अपने मंदिरों के बीच में जो मंदिर हैं पहले राजा ने जिस समय कह दिया था कि सारे मंदिर खाली करो उस समय जैन धर्म में कैसी शक्ति थी अभी ज़्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है मुश्किल से 60-70 साल पहले तक की बात है अभी वो माँ जी ही थी मतलब थी तो बुज़ुर्ग लेकिन वो बताती थी चलती फिरती अच्छी थी और वो बताती थी कि रात रात हम लोग मैंने दिन में खा लेते थे लेकिन रात को रखना पड़ता था ताकि कोई ये देखने आ जाए तो हम कहें बन रहा है और कहते हैं कि एक बार तो उसने और बहुत शिकायतें कर दी जब मंदिर उंदिर की बात चली तो हमारे भट्टारक जी दिल्ली में थे जयपुर से लोग ट्रेन से आए पहले गाड़ियाँ तो इतनी चलती नहीं थी और भट्टारक जी से कहा कि ऐसा ऐसा है उसने दो दिन का मैंने ऐलान किया कि दो दिन में यदि मंदिर खाली नहीं कराओगे तो मूर्तियाँ खंडित करके जैन मंदिर अन्य मंदिर में तब्दील हो जाएंगे भट्टारक जी ने कहा अब रात हो गई सो जाओ भट्टारक समझ गए पीले कपड़ों में पहले बहुत शक्तिमान होते थे और उनने कहा सो जाओ सुबह बात करेंगे और रात को वो बताते हैं कि जय दिल्ली सोए थे और सुबह उठे तो वो लोग जयपुर मिले थे आप सोचिए सिर्फ अभी कुछ दिन पहले की बात है तो और जैन ने एक दिन भूल से कह दिया कि आज पूर्णमासी है जैन मंत्री ने कह दिया फिर भट्टारक जी के पास गया कि हमने भूल से बोल दिया और राजा ने कहा कि देख लेंगे रात को पूर्णमासी है अमावस और मेरे मुंह से निकल गया बदल सकता नहीं हूँ क्योंकि राजा तो दूसरे मंत्री ने अमावस कही है भट्टारक जी ने कहा चिंता मत करो तुम्हें तो सजा नहीं होने दूंगा और बिल्कुल सत्य घटना ये तो लोग अभी बताते हैं सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात है कि उन्होंने रात को अच्छा पूर्णमासी का चाँद निकला था तो अब राजा ने कहा कि तुम कह रहे हो मावस है और चांद निकला है उनने कहा राजन कम से कम दो चार किलोमीटर आगे भेजो कुछ कर दिया होगा इसने जैन ने तो कहते हैं कि 12 किलोमीटर तक राजा ने घोड़े दौड़ाए 12 किलोमीटर तक पूर्णवासी थे, लेकिन राजा ने जब पूछा तो भट्टारक जी ने कहा कि मैंने चार प्लेटें मंगाकर मंत्रित करके उन्हें छोड़ दिया था वो पंद्रह किलोमीटर तक पूर्णवासी दिखती न देखना लेकिन फिर भी उस विरोधी को सजा नहीं दिलाई दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है सृष्टि मंगलम सेवा समिति बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी अकाउंट नंबर जीरो डबल वन नाइन जीरो वन ट्रिपल जीरो थ्री टू फोर टू नाइन आई एफ एस सी कोड बी ए आर बी जीरो एस एच आर आई एम ए आई एफ एस सी कोड का पांचवा कैरेक्टर जीरो है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर जीरो टू वन टू ट्रिपल जीरो वन जीरो डबल वन डबल सेवन टू डबल सेवन आई एफ एस सी पी यू एन बी डबल जीरो टू वन टू डबल जीरो आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा एटी जी एवं ट्वेल्व ए के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो वन नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो थ्री सेवन जीरो डबल वन जीरो वन फोर एट वन टू सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न एक सौ पांच श्री सृष्टि भूषण माता जी जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौ आश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है इसमें अभी करीब 400 सौ गाय है जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार एक पाँच सात या ग्यारह या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र एक सौ पचहत्तर रूपए ग्यारह हजार रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं परम शिरोमणि संरक्षक पाँच लाख ग्यारह हजार रूपए शिरोमणि संरक्षक तीन लाख ग्यारह हजार रूपए संरक्षक दो लाख ग्यारह हजार रूपए विशिष्ट सदस्यता इक्यावन हजार रूपए सदस्यता इक्कीस हजार रूपए दस वर्ष चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा गाय जीवन यापन को दूध पर्यावरण को गोबर देती है जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा गौ मूत्र से औषधि देती है खेती को बैल देती है हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है गौशाला आरिका सृष्टिभूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं पूज्य माता के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोट गायों का उपचार साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य ऐसी रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है जिसमे आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें देर न करें आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यो ऐसी जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, सेवन सिक्स फाइव मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर जीरो टू वन टू जीरो 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 वन जीरो डबल वन डबल सेवन टू डबल सेवन आई कोड पी यू एन बी डबल जीरो टू वन टू डबल जीरो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर जीरो डबल वन नाइन जीरो वन ट्रिपल थ्री थ्री टू फोर टू नाइन आई एफ एस सी कोड बी ए आर बी जीरो एस एच आर आई एम ए जीवन में एक बार मात्र इक्कीस हजार रूपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें